एक टिड्डी ये कुछ कर सकती है? नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतनी सारी टिड्डियां तो कर सकती हैं ना, बहुत कुछ कर सकती हैं, और इस वक्त देश में ये बहुत कुछ कर भी रही हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक खास तरीके की टिड्डी के बारे में, जो हर साल भारत में आती तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये आती हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, जब बारिश हो रही होती है, और राजस्थान बॉर्डर से हमारे प्यारे दुश्मन और नेशनल टॉक अवार्ड के विनर पाकिस्तान के रास्ते। पर इससे पहले कि तुम लोग पाकिस्तान को गाली दो, मैं तुम्हें बता दूं कि पाकिस्तान में भी ये बहुत बड़ी दुर्गति करके आ रही हैं, और वो भी ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से ग्रस्त है। तो इन शैतान टिड्डियों को डेजर्ट लोकस्ट कहा जाता है, और ये टिड्डियाँ जनरली ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, वहाँ पाई जाती हैं, सोमालिया, एट्रिया, इथोपिया। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के डेजर्ट रबल खली में भी पाई जाती हैं, जैसे ओमान, साउथ ईरान और यमन। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तून में भी पाई जाती हैं। जब ये अकेली और छोटी होती हैं तब ये बड़ी ही सिधाई से चलती हैं, लेकिन जैसे ही बड़े ग्रुप में आती हैं, जिसको ग्रेगेरियस फेस कहा जाता है, ये जिस भी क्षेत्र में होती हैं, जिस भी देश में होती हैं, उसके लिए बहुत बड़ी दुर्गति बन जाती हैं, क्योंकि ये 150 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चलती हैं और अपने रास्ते में आने वाली सारी हरी फसलों और हरियाली को कुछ ही घंटों में चट कर जाती हैं, भुक्खड़ कहीं की। तो अब सवाल उठता है कि ये टिड्डियाँ जुलाई अगस्त की जगह अप्रैल में आई, तो आई कैसे? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 25 मई 2018 से, जब अरेबियन सी में मेकुनू नाम का एक तूफान आता है। यह तूफान मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान रबल खली को नमी और पानी से भरपूर कर देता है। टिड्डियों को मौका मिलता है और वो रिप्रोडक्शन करती हैं और खूब सारे अंडे देती हैं। अंडे टिड्डियों में बदलते हैं और खाने की तलाश में दो डायरेक्शंस में जाते हैं, एक ईस्ट अफ्रीका के गरीब देशों में जो पहले से ही भुखमरी से मरे हुए हैं और अब कोरोना से, और दूसरा गुट जाता है ईरान अफगानिस्तान के रास्ते भारत में। ऐसा सिलसिला सिर्फ एक बार नहीं होता, दोबारा 6 अक्टूबर 2018 को लुबान नाम का तूफान आता है फिर से। 2019 में फिर से सागर नाम का एक तूफान आता है, और इस तरह अप्रैल के महीने में राजस्थान के रास्ते ये टिड्डियां भारत आती हैं, और आज ये 50,000 एकड़ से भी ज़्यादा का नुकसान कर चुकी हैं। तो ये थी टिड्डियों के भारत आने की कहानी। हम और आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन दिन में 3 से 4 बार खाना हमें केवल और केवल एक किसान ही देता है, और एक किसान ही है जो ना सिर्फ पेड़ लगाता है बल्कि पेड़ों की रक्षा और देखभाल भी करता है। और पेड़ हमारे फ्यूचर के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये तो हम सभी जानते हैं। पेड़ ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, रेनफॉल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, इसके अलावा सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। विजिट करें www.piglykulfi.org पे और जानें कि कैसे आप इस छोटे से इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जुड़कर अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं।